बा रणभेरी हो गइल बा हुंकार हो गइल बा आगाज आज हमने के ए नया खास प्रोग्राम के हम आगे बार बानी राव दोस्त यानी जितेंद्र सिंह अंशु राउर अभिनंदन पाए लगी के साथ स्वागत करत यानी और एम एस चौवन भोजपुरी जोना चैनल के नाम बा जकरा की कहल जाला भोजपुरी लेके हाजिर बानी ओकरा माध्यम से वो खास प्रोग्राम के जेकर नाम बा कॉलेज तो भैया रुके के ना भाई सिलसिला यहाँ से शुरू हो रहा बा हम बानी बिहार के वैशाली में और वैशाली के जोना कॉलेज से एक हम शुरुआत कर रहा बानी आगाज कर रहा बानी वो बाटे सी वी रमन यूनिवर्सिटी यहाँ के लड़का यहाँ के छात्र छात्रा में आज हमने के देखा जाए कि कौन कौन गुण कौन कौन प्रतिभा छिपल बा हम जान गए बने कि तुहार नाम राहुल बा काहे कि तुहार भाई बहन छात्र छात्रा जे भी बयां द्वार सहपाठी लोग बता देले बा कि तू भाई यहाँ के हीरो वाला नाम तो हिसाब से लिया एकदम राहुल 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 थोड़ा बहुत हमके शाहरुख खान के याद आ गए राहुल जी बतावा कि आज यहाँ मंच पे तू का करे वाला बाड़ा का प्रस्तुत करे वाला बाड़ा कि जैसे तोरा के लागत है कि हम फेमस हो जा हमके लोग बहुत प्यार करी मैं अपना लिखा हुआ गाना गाऊंगा तो गा लो फिर बाकी की बात हमने के बाद में कर ले हम दर्द मेरे तू इतना बता दे ढूंढूं मैं कब तक तू अपना पता दे हम दर्द मेरे तू इतना बता दे ढूंढूं मैं कब तक तू अपना पता दे सोचू ना समझू ना क्यों मुझसे खफा तू हुआ रे हम दर्द मेरे तू इतना बता दे ढूंढूं मैं कब तक तू अपना पता दे धड़कन दिल की रुकती नहीं कैसे कहूँ इन सांसों से ये है कि एक पल रुकते नहीं ना जीने दे ना मरने दे खुद ही में अब मैं जिंदा नहीं बाह 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 हम दर्द मेरे तू इतना बता दे देखा ताली बजवानी हाँ जरूर तोरा खातिर लोग बजेबो करे थे लेकिन केहू से पूछे केहू सुनल हाँ का गाने हाँ ई का गाने हमरा खुदे बगल में ना बुझल तो उनके का सुनाइल होई उनके का सुनाइल होई खाओ कि ना आई लगुआ का नहीं मेरा वॉइस साउंड बहुत कम है तुम्हारा वॉइस काहे इतना कम बा हम शुरू से इसी तरह ही बोलते हैं ज्यादा मेरा साउंड का जो है बेस नहीं है जब बेस नहीं बा तो बेस कैसे बनी खईबा तबे ना गईबा हां 6 एफ है मेरे पास अरे कहा था निकला के 6 एफ भी बा का बा 6 एफ है 6 एफ बा खाने से इसका तो कोई रिलेशन बनता नहीं है ना एकदम नहीं बने के बा ओहो अबे देखब लेकिन पहली बतावा राहुल की एक कॉलेज में कब से तू बाड़ा कब से पढ़ रहा वाला 19 से अरे रहे वाला कहां के बाड़ा कांटी कांटी मुजफ्फरपुर जोनगढ़ जाला ना 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 देखिए मेरा घर मेरा प्रॉपर प्लेस है कांटी खुशी हरपुर होरेल अगर नाम देखने गांव कितना बड़ा कांटी जोनगढ़ेला सिहरपुर जोन आ सिहरेला मतलब कुल जितना बा शरीर से प्रताड़ित होके वाला चीज सब तोरे गांव में से कमाई इतना बढ़िया गांव बा इतना बढ़िया राहुल के नाम बा एगो जोरदार ताली बजावा बहुत बहुत धन्यवाद राहुल ए मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है आके तू देख मेरी हालत को बिन तेरे हर खुशी अधूरी है मेरे दोस्त लौट के आजा रुका रुका ये तेरे गईबा तू कबो ना आई तनी और बढ़िया से गावा बुलावा अपना के तेरे रूबा दोस्त कैसे आई आई है ये तेरे तो अपने भैया को बोलेबा तू ना आई घर के बोलेबा तू ना आई तनी भाई होके के चाहे हाँ हम बुलावत हैं हम चिल्लावत हैं हम रोवावत हैं हम दुख में बानी दुखी हैं जी दुखी तो है सर क्यों के लागल हाँ ये दुखी बने दिल से अच्छा दिल से दुखी हैं जी
का नाम बता? पलक श्रेया। लागत ना बा की लोग उतना हरियर बा, उतना खुश बा, कितना बढ़िया कैंपस बा, बाकी ना बा? हाँ बा। उतना बढ़िया गाना गावे की चाहिए ना? गाना नहीं गाना है। रोना है? नहीं। नाचना है? नहीं। करना क्या है? पोएट्री। तो वह सुना दो। आओ घुमा दूं तुम्हें मैं अपना बिहार राज, मुख्यमंत्री श्री नीतीश चला रहे फिलहाल जहाँ का राजकाज। राजधानी है इसकी पटना, राजधानी है इसकी पटना, दबंगों का इलाका है जरा संभल के रखना तुम कदम। उत्तर में नेपाल, पूरब में है पश्चिम बंगाल, उत्तर में है नेपाल, पूरब में है पश्चिम बंगाल, सरेआम घूमते हैं यहाँ लुटेरे, तुम दिल तक ना सकोगे संभाल। अनोखी है हमारी बिहारी बोली, कि अनोखी है हमारी बिहारी बोली, स्वागत में बनाते हम द्वार पे रंगोली। दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, कि दक्षिण में है झारखंड, कि पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, प्राचीन में कहते थे इसे हम मगध प्रदेश। गोलघर है इसकी शोभा, हमारे बिहार की शोभा है गोलघर, अशोक धाम में उमड़ती है भीड़, एक और है पर्यटन नाम है जिसका राजगीर। नामी यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय, नामी यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय, शक्तिपीठ है बिहार के कई देवालय। जन्मे यहाँ श्री दिनकर जी राष्ट्र कवि, जन्मे यहाँ श्री दिनकर जी राष्ट्र कवि, गया में दिखती है भगवान बुद्ध की छवि, पहनती है यहाँ नारी सलवार सूट और साड़ी, पहनती है यहाँ की नारी सलवार सूट और साड़ी, कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी। अद्भुत एक अनुभव है बिहार दर्शन, अद्भुत एक अनुभव है बिहार दर्शन, सौंदर्य से पूर्ण है ये अनमोल आकर्षण, कि सौंदर्य से पूर्ण है ये अनमोल आकर्षण। धन्यवाद। वाह क्या बात, तने को जोरदार ताली बजे के चाहिए। देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे, इतना कम उम्र में इतना बढ़िया लेखनी कहाँ से सीख लू? बस लॉकडाउन में यूं ही। और काका कहलू लॉकडाउन में अपना जीवन काल में जो पिछला दिन? दो बुक लिखू। अच्छा लॉकडाउन में दो को बुक लिख डालू? हाँ। इतना बढ़िया लिखनी जो बुक लिखलू उस सीखलू कहाँ से, पढ़लू कहाँ से? बस ऐसे ही घर में। घर में का तार माई बाबू जी तारा टीचर बनेगा? हाँ। ओके पूरा कोट वोट कीचड़ बुझाता, अब आके हमके पटक दे उठा के, मतलब पलवानी वलवानी करे के विचार ना बा बबूनी? नहीं नहीं ना नहीं। का कह चाहता रु? सिंगिंग। मंजिले रुसवा है खोया है रास्ता, आई ले जा है इतनी सी इंतजा, ये मेरी जमानत है तो मेरी अमानत है, आ मुझको इरादे दे कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं को इशारे को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। इंजीनियरिंग करे खातिर कवन कवन कोर्स वोर्स करके पढ़ा तनि हो बताओ, मान लो जानो को मान लो मन को तो समूह गावल छोड़ दे पढ़ो नहीं लागत तनि तो बताओ कैसे का का पढ़े पढ़े लाओ में का पढ़े लू? बीटेक करने के लिए उसमें सिविल मैकेनिकल। अच्छा। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल ब्रांच होता है। बाप रे इतना ढेर पढ़ के पढ़ी से बढ़िया बोलल के ठीक बात है, खाली कैमरा के सामने खड़ा होकर हमरा के बोल लेवे के बा, इतना पढ़े के पई हमार तो सही गोड़ पिराए लगे और मुड़ी दुखाए लगी। तो ई बतावा पढ़ के जे इंजीनियर बन जेबू पैसा खूब कमाइबू तो केकरा के देबू? पेरेंट्स को। अच्छा जैसे ब्याह हुआ होई ओकरा देबू? तो भैया समाज की एगो विडंबना देखी, खास करके हमने और देखल जाला की मर्द कमाला मेहरारू खा ले, कहीं लागे ला ना कि तनी मनी मर्दन के साथ अत्याचार बा?
लागेला की ना लागेला? अरे कब वैसन होत की मेहरारू कमाता मर्दो? तो भैया देखिए हम अगला पड़ाव की ओर बढ़ाता नहीं और बुलावता नहीं बिना देर के अगला प्रतिभागी के और बहुत सुंदर खेले का हमारा सामने खड़ा बा माइक हाथ में थाम के ले लेबा बबुआ तू दौड़ के आवा हमारा भीड़ खड़ा हो जा। अरे वाह यहाँ तू खड़ा होगा पहले। ए भाई भाई तुहार नाम क्या बा? हमर नाम हुआ रविंद्र तुमार। माइकवा में बोला रविंदर भैया। हाँ बोली ना भैया धमाल बा रावी। हाँ ओहो एमे तेरी धमाल बाबा। हमार कितनो धमाल हो लेकिन तोरा आगे हम फीका पड़ गेले। ई बतावा ऐसा कॉलेज के तू हीरो हो पक्का बा? हां ना इतना बढ़िया है कॉलेज के कैंपस में हीरो आइल बा त तहार हीरोइनियो रोनियो क्यों बा कि ना? ना 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 ई टटर में ना बोला है में डॉक्टर ले पढ़ाई न होई तब तक ले हीरोइन ते टटर में पड़ला ते तोई बेनिफिट ना होई। आ हम कहता नहीं मान ला चक्कर में पढ़ी के पढ़ाई हो जाता का दिक्कत बा ना बारा जीता थोला ए भैया राव न मालूम बा टाटा लीला होतला। ते इहो बता दो कि का दिक्कत आ लीला होला? बारा लीला होला का लीला होला का लीला वही ला त हम बियाह छोन लेल बड़ी अपना ते लिखे। अच्छा ठीक बा चला मान ले थई भाई की बहुत दिक्कत होला बहुत लीला होला त पढ़ लेब त जब लीलाती है तब कैसे लीला होई? ना तब ना होई तब ना होई दुनु रतन त माय लई छाल ला या मम्मी पापा ते बनिया ते थेवा टरलाई। पढ़ल लिखल आई तो नीपर दवार आई तो माथा ते डर। ठीक बा भैया मान गए नी कि रविंदर भैया ऐसा मरद रही केहू के दर्द ना हो। मेहरारू चाहे कोनो मिजाज के रही ऐसा अगर मरत पाई ता सही उस रह। वाह तोरा के भगवान इतने नीमन इतने सुघर बनौले रहे आ तहार जवन लीलावती होखे छेपती होते। रविंदर भैया दर्शकन के कुछ सुनाइबा? हाँ जरूर सुनाई। धरती ते डरल देबो आदमे दाहे देते पापा नही करती है बउआ ठठुरा में भेजते लगती ते मतारी ता कहती आब लगती चल लतरीन अपना ठठुरा आर तो बड़ा दिक्कत होला तो ता कहती अब फोनवा पर कहते फोन करते तू तो मम्मी बात करते में रोतिया कहतिया सरती बियाह नहीं बैठाली नजरिया में सरती बेटी ते अपना बैठाली नजरिया में न बियाह। अरे मई तो हटे तू हटल बेटी दुठवा न रे देते बाप नहीं करती है बेटी छतुरा में भेदते तब लटी तो पापा जी चार तो हतिया लटी पूछतिया आहो पापा चौने नजरिया में आहो पापा चौने नजरिया में भैया रुका 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 मर्दवा एकदम लगला वैशाली से पटना में पहुंचे हैं। हां जरूर नीक गावत ताला लेकिन जान ला। अच्छा इनका जितना बात बा सजी बियाह के इर्द गिर्द घूम के बा मनो ये लड़का इतना बेचारा पगलाइल बा बियाह खला बदे ना कि जब जाए भगवान एकरा जल्दी बियाह करा के अब जल्दी इनके मौल चढ़ावो। ऐसा ना भैया तू तो हमरा से फसावे लाल मनो चाहे बुढ़वा होके चाहे सयान होके चाहे लड़का होके चाहे जवान होके खा के एकदम चपाचप मस्त हो जाला हरियर हो जाला होला कि ना होला। तो ई जोन हरियरी खैले के बाद जोन आनंद आवेला ना ओकर एगो अलगे मिजाज होला और मिजाज के जोन बन गेल बा हमें के कम ना होके दे बरकरार रखब और अगला एगो प्रतिभागी के इनवाइट करब। ई माइक ला ई तहरा खातिर हम लेके आइल बानी अपना चैनल के माध्यम से लेकिन जब अब तू चल जेबू हम तोरा से ले लेब घरे ना ले जाए दे।
ठीक बा ना। ई बतावा हमरा से कि तहार नाम का बा? सिमरन। ई बाड़ी सिमरन। सिमरन की देखा, सिमरन कितना बढ़िया गेटअप में बाड़ी, सिमरन बहुत सुघर भी बाड़ी। बाड़ी कि ना भैया? तो सिमरन ई बतावा तू कौन क्रीम लगावे लू? हमहू तनी मनी लगाई बुहे तो हमहू गुरहर हो जाए। अब अहीं तक करिया भुजंग भइलई बानी, धूप घाम करिया बतास हम झेल तानी, तू हूँ झेल तर, लेकिन तहरा ऊपर ना असर होता, का मामला बा? ई बता तुहर सखी के बा? निकिता। निकिता, ए निकिता के हो? हाँ तो ना मिले भूखा लोग, 14-15 साल बाद मिलल हो, तू लोग गले ले मिल लतन रो ल। निकिता तू इनकर सखी बाड़ू, ई तुहार सखी बाड़ी, इतना तो श्योर है कि तू इनका बारे में बहुत बढ़िया जानत हो भाई, तुहरा बारे में बहुत बढ़िया जानत हो। जी वही ना। जी चलो हम एगो गेम कराओ, तनी देखल जाए लोन कितना बढ़िया फ्रेंडशिप बढ़िया बा कि ना, का नकली सखी बा आ कि असली सखी बा। ठीक बा ना? अब निकिता हमरा भेरी हेने, हम तोरा से 2-3 बात पूछो, फिर वे तोरा से पूछो आई, देखो के केकरा के बारे में कितना जानता। भैया देखिए हम इनकर जो सखी बाड़ी निकिता, इनका से इनका बारे में 2-3 सवाल पूछ ले बानी, आई जो जवाब दिले बाड़ी वही के आधार पे हम जानब के लोगों के दोस्ती में कितना परसेंट सच्चाई बा। तू बताओ हमरा से कि तहार फेवरेट लहना का बा, भोजन का बा, खाना का बा? छोला भटूरा। भैया ई खाली छोला भटूरा, ई खाली रसमलाई बड़ा निक से खाली। ते हां के बा फेल? निकिता ना बालों की दोस्ती फेल बा। तो इहो बता दे हमरा के तोरा के पहनावा में का निक लागेला? साड़ी। आई दादा ई कहतली साड़ी, यही कहली इनका के सूट बड़ा निक लागेला। कहेंगे दोस्ती कैले बाड़ू? ई तो तू लोगन के घर फूट जाइए तेरे चाल रही तो। ये लोगन के दोस्ती में बहुते खोट बा भैया, बाकी ना हम ये दोस्ती के सच्चा ना मानब। निकिता हम तोरा से दुखी बटले बानी, जा बतिया इनका अकेले मा, तू मिल गया तो कहिया झूठा उखाड़ के मर जा। आगे हम लेके चला तानी अगला प्रतिभागी के तरफ बिना देर कहले, और हम बोलावा तानी एगो खूब सुघर लड़का के एकदम बढ़िया लागत हुए चकचक माने आवा आवा। ई माने रोहित। रोहित बबुआ का सुनाइब दर्शक लोग के? गाना है सर ओम शांति ओम का, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कई। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अच्छा तोरा घर में सबसे करीब तोरा दिल के बा? मेरी मम्मी। मम्मी के माने ल? जी घर में नहीं पूरी दुनिया में सबसे दिल के करीब वही है। तो भैया ये आनंद के सिलसिला सही जारी रही, राउर मन के एकदम खुश मिजाजी हम बरकरार रखब, और अगला पड़ाव पे आपके हम मिलवा तानी बिना देर के अगला वो प्रतिभागी के। के बुलाएं, के बुलाएं, के बुलाएं, तू आ जा। तहार का नाम बा? सलोनी। सलोनी कुमारी। सलोनी, सलोनी तू का सुनेबू दर्शक लोग के? सिंगिंग करबू, गाना गाइबू, गावा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब हो के। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चली अगला और बड़े के अगला प्रतिभागी और बड़े के अगला जोन भी हमने की होनहार छात्र छात्रा बने उनका और बढ़े के, और हम चाहता नहीं कि बुला ले ले बुला। गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून जी लइका आके कही देले हमें तई बतावत तहार नाम का बा रजत प्रकाश बात तो तार बहुत शानदार बा एकरा के तो देख के हमरे याद आ गइल औ यमुना एक्सप्रेस हवे ए डाल एकदम के गाना ना कि हिलोर मारे बबुआ कहाँ की कटिंग हो थ्री स्टेप कटिंग है थ्री स्टेप कटिंग है भैया ही एकरा के ध्यान से देख ली रउआ लोग भी एक थ्री स्टेप कट कहल जाला ई हमार हो सकेला का नहीं सर ना सकेला ना आई कौन कहाँ सलून में कटे लाई कहाँ के सर एक्चुअली हम जहाँ मतलब मेरा होम टाउन है उधर उधर मतलब कि किए हुए हैं अच्छा तो होम टाउन कहाँ बता मधुबन मधुबन से बाड़ा हाँ चलो भैया मधुबन के सलून में कटाओ और मधुबन में थ्री स्टेप में बार कटे लाए वो बात के लोगों नोट करके रखिए अगर घूमे जाइए मधुबन तो ऊपर के बार कटवाइए कहाँ गई बा एक्चुअली मैं रोय मूवी का एक सॉन्ग है टू है कि नहीं ठीक बात तो सुनावा इन लबों पे जो हंसी है इनकी तू ही है वजह बिन तेरे मैं कुछ नहीं हूँ मेरा होना बेवजह धूप तेरी ना पड़े तो धुंधला सा मैं लगूं आंखें सांसें दे मुझे तू ताकि जिंदा मैं रहूं मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं तू वो लम्हा जो न ठहरे आने वाला कल मेरा मैं आस पास बहुत गजब भैया ताली बजाओ लड़का खातिर मतलब ये कहे के बा मतलब हम क्या बताएं तुम्हारे थ्री स्टेप के बारह टू स्टेप के गाना हमरा के बना दिले बा दीवाना हमारा थ्री स्टेप के बारह टू स्टेप के गाना गावत हुआ तारा में गुण इतना बाटे अल्लाह जात इतना हुआ सर एक्चुअली मैं लजा क्या बोले सर सेम एक्चुअली मैं लजात नहीं मैं जो बड़ा सेम पढ़ाई में तू क्या क्या अव्वल बड़ा क्या क्या पढ़ेला बतावा Actually, my name is Rajat Prakash. I'm a student of this college and I'm first year BTech Computer Science Department. अरे जॉन भी अंग्रेजी में बोलना सब बोलना हमें तो सेम कोई दे समस्त भोजपुरिया जहान जाना था कि भोजपुरी बोली में ऐसन ऐसन शब्द के संग्रह बा ऐसन ऐसन बात बाटे जौना की कई गो भाषा बा कई गो प्रकार बा कई गो मिजाज बा रउआ सुनले हो कम ना हिंदी में कहल जाला कि दर्द हिंदी में क्या कहल जाए कि हमारे सर में बहुत दर्द है एकरा के भोजपुरी में कहल जाए दर्द बा दर्द बा पिराता परपराता आ बताता औरी दुखाता औरी ऐठाता गुड़वा हमारे यहाँ बड़ी टेंशन आता मतलब यही के भोजपुरी बोली कहल जाला और बोलावत आने बिना देर के लिए अगला प्रतिभागी के बहो आजा ताली बजाओ यहाँ की बानी स्वाति जी तो स्वाति ये बताए रहुआ कि रावरी कॉलेज में सबसे ज्यादा सहभागिता कौना चीज में होला सहभागिता यानी कंट्रीब्यूशन कौन प्रकार से एक स्कूल में एक कॉलेज में तू अपन बात अपन पहचान बनौले बाड़ू एज ए स्टूडेंट तू के कैसे लोग जाने लाती हूँ तेज बाड़ू मध्यम बाड़ू सबसे बरियार स्टूडेंट बाड़ू सबसे लड़ाकू स्टूडेंट बाड़ू पटक के मारे वाला स्टूडेंट बाड़ू अकॉर्डिंग टू माई स्टडी अरे वाह वेरी नाइस मतलब यहाँ के का नाम बा यहाँ की पढ़ाई बहुत बढ़िया बा बहुत अव्वल बा का पढ़े नहीं रहूँगा कॉलेज में एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर करता नहीं रहूँगा चलिए का सुनाए दर्शक लोग के सॉन्ग तू नज्म नज्म शाह तू नज्म नज्म शा मेरे होठों पे ठहड़ जा मैं खाब खाब सा तेरी आँखों में जागू रे तू इश्क इश्क शा मेरे सांसों में बिखड़ जा मैं फितूर तेरे कुरबर का तुझसे तू मांगू दे हाथ थाम ले पिया तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई तू इत्र इत्र शा मेरे सांसों में बिखर जा मैं फितूर तेरे गुरवर का तुझसे तो मांगू दे थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर
क्या नाम है? स्वाति झा। स्वाति झा, यूं के भी बानी स्वाति। आज स्वाति की भरमार बात। स्वाति क्या करे बालाबाड़ में? मैं गाना गाऊंगी और कुछ स्ट्रेचेस करके दिखाऊंगी। वैसे तो बन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था, पहले भी धड़कन ये गुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। जब से मिली हूँ तेरी होने लगी हूँ। लगले हाथ खेल रहा हूँ, स्ट्रेचेस भी को के दिखा दें, ओकरे बादे बतिया ले ले हमने के, ठीक बा? बहुत बढ़िया चीज बा, रउआ लोग के भी अपन मेहनत से अपन योगासन से अपना शरीर के हमेशा मजबूत बनाने के चाहिए और समाज में एगो अलग प्रकार के अपन व्यक्तित्व स्थापित करे के चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। स्वाति की परफॉर्मेंस के बाद, इनका अइला के बाद माहौल तनी दूसर बन गेल बा, लेकिन ये दूसर के तीसर ओर लेके चलब और बिना देर कैले बिना बाती के ढेर जलेबी खान घुमावले अगला प्रतिभागी के हम बुलाई और हम बुलाव तनी ए बबू। तुहार स्वागत बाटी, अभिनंदन बाटी। का नाम बा तुहार, दर्शन मुखी बताओ? माय नेम इज आर्या राज। आर्या, आर्या आज का करे वाला बनू? मैं अभी डांस करने वाली हूँ। अच्छा, नृत्य करेगी बा? कैसा नृत्य करबू, का करबू नृत्य में? वेस्टर्न, क्लासिकल, बराती, घराती, का? थोड़ा सा ब्रेक डांस टाइप। अच्छा, ब्रेक डांस। ताली बजाओ भैया, ब्रेक डांस। पूरा भोजपुरिया समाज एकदम घूम गए। आर्या, इतना बढ़िया नृत्य कैलू, तो इन नृत्य के अलावा अपना लाइफ में और काका तरह आवेला, काका करेलू? पेंटिंग। अच्छा, अब पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई भी करते हुए पहला मुझे सुनना चाहत रहने कि हम पढ़ाई करे नहीं, देखा नृत्य तो बता दी नहीं यहाँ की, पेंटिंग तो बता दी नहीं यहाँ की, लेकिन पढ़ाई हाँ वो करे नहीं। मतलब हो जाला वो घूमत फिरत, क्या करे के बा, पढ़ के क्या होके के बाटे। एगो काम में कहावत है भैया, कहे कबीर संत के लोला, आ पढ़ले से के राजा होला। ना ना झूठ रहा है, कैसन कोनो कविता ना बा, जे पढ़ी ते ही राजा होई, जे ना पढ़ी वो हमरे खान प्रजा होई। भैया मर्दवात नाही, मर्दे खाना बन जला, बा का छोरा एकदम बिहारी जवान खान, कहल जला एगो बिहारी या सौ गो पे भारी। कैसे बारी इतना तो खुद हल्लू बाड़ा, कैसे बारी होगा बार? ला माइक ला आ दर्शक लोग से बतावा तहार का नाम बा? रत्नेश कुमार। रत्नेश बबुआ, तू कौ साल के हुआ? सर 17। और का पढ़े ला? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इमर जी 17 साल के उम्र में तू इंजीनियरिंग पढ़ा था ला? जी सर। हम इतना पढ़ रहे हम हाई स्कूल नहीं पास हो पड़े रहनी। इहो विडम्बने एगो रहल, लेकिन चलो कहल जाला ना कि भाई परिवेश के सज्जी असर होला, हमरा उहे भीरी भेटाई तहरा भीरी ई भेटाई, लेकिन इतना बढ़िया इंजीनियर, इतना बढ़िया गेटअप में अभ्यस्त रही, आगे चल के का करी उड़ी काम ना भैया इंजीनियर साहब के गेटअप। टोपी भी बा बढ़िया, कुर्ता जैकेट भी बा बढ़िया, जूता पैंट भी बा, ये पैंटवा कहेंगे पात्र के बाहो? सर योगा का कुछ स्टेप करना था सर। योगा करना, यानी आप योगा करबे? हाँ चलिए योगा दिखाई दर्शक लोग की,
ह्यूमन डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कैंपस बाना जो यहाँ के छात्र छात्रा लोग बाना अल्टीमेट बा अद्भुत बा बम्बई कैसे सिखला कैसे इतना बढ़िया तू तोड़ मोड़ के मड़ोड़ के कैसे कर लिया सर पिछले स्कूल से ही सर ट्रेनिंग मिला था वहाँ से। अच्छा ये बता इतना बढ़िया योगासन तोरा क्या बता पढ़ाई के मामला में तार का हिसाब किताब बा बढ़िया हुआ कि तन पढ़ाई पढ़ाई उतना ठीक ठाक नहीं है सर हमरे लागल जितना टेढ़ मेढ़ कर बुद्धि तो गोल गोल हो जाए इहो एगो प्रकार के कला बा इहो एगो प्रकार के अपना आप में अभ्यास के बात होखेला योगा करे के रहे के चाहिए काहे कि योगा करे से हर कोई फिट रहेला इहो एगो संदेश बा समाज खातिर। चलिए हम बिना देर कहले अगला प्रतिभागी को लेके चला तानी और बुलावा तानी का नाम बता अमित कुमार। अमित भैया रुआ का करो दर्शकन के का बताई सर मुझे अपना से लिखा हुआ एक कविता है बहुत सारे कविता हैं जिसमें से एक कविता मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप खुद के लिखे नहीं? यस सुनाइए। मैं उनको करता सशत प्रणाम जिस मिट्टी पे जन्मे कितने वीर महान मैं उनको करता सशत प्रणाम जिस मिट्टी पे जन्मे कितने वीर महान क्यों ना उसका परदेसी हूँ लेकिन करता हूँ मैं उनका ही गुणगान। सच गाने में क्या जाता है जब वो सच में है महान जय जय भारत जय जय भारत तू तो है माँ भारत बड़ी महान। काश मैं भी होता उस धरती पे जन्मा जहाँ होता है तेरा इतना सम्मान काश मैं भी होता जन्मा उस धरती पे जहाँ होता तेरा इतना सम्मान इस जन्म में तो तुमसे रिश्ता जोड़ा अगले जन्म में माँ मुझको भी तू लेना स्वीकार कर बेटा मान ताकि मैं भी खड़ा होकर के तिरंगे के नीचे गा सकूँ जनगण मन का गान। माँ इस जन्म में तेरा परदेसी हूँ पर अपना सिर दिया हूँ तेरे चरणों में थाम। जहाँ हमार शुभकामना बा आ जरूर इनकर सब भाई जौन भी पोयम बा जौन भी पोएट्री बा रघुआ लोग फॉलो करी देखी जा अमित भैया थैंक यू। ताई भैया अगला प्रतिभागी के बुलावे के हम चाहब की बहुत ही पक्ष बरियारी से अपन दावेदारी पेश करता है तो तनी रौरव पक्ष से गो रौरे आ जाई। का नाम बताओ? आशी कुमारी। आशी ई बताओ हमरा के की कॉलेज में तोरा के सबसे ढेर के मानेला? आर्या। आर्या मतलब सखी है तहार? हाँ। अच्छा और ये बतावा कि तोरा घर में तोरा के ढेर मानेला? मेरी बहन आर्या। अच्छा इहू आर्या ओहू आर्या? हाँ। कि दुगो आर्या बाड़ी के आर्या बाड़ी? दोनों ही आ गए हैं। अच्छा अलग ही अलग आर्या बाड़ी मतलब ये कहा कि तू आर्या नाम के लोग के ढेर माने लू भाई है ना ये कहे कह दलो कि आर्या तोरा के माने ली मानो अगर इनसे जेके अपन मान मनौती करे के बाद अपन नाम बदल के आ रहा कौन बात खत्म चैप्टर क्लोज का करे वाला बाड़ू यहाँ तू डांस बिना देर कहले कि जब यहाँ के नृत्य देखा तो नहीं जैसे एकदम 1 2 3 4 5 6 म्यूजिक भी लगा के कल बीच में बजा के अब रही तो हमरा के यही बतावा कि आगे भविष्य में का प्लान बा का चाहत अड़ू जीवन में गोल हासिल कर गोल का बा एम का बा कोरिया जाके सेटल होना है। कहाँ जाके? साउथ कोरिया जाके सेटल होना है। अरे तो साउथ कोरिया में हुए को कान के रहेला बहुत के रहेला वो नॉर्थ कोरिया में रहता है ये उनका के मालूम है ना बस आप के भाई सही थोड़ी ना नॉर्थ कोरिया चल जाएगी ठीक हाँ। जाहिल का है किसी चाहता हूँ वहाँ इतना दूर है वहाँ एक बैंड म्यूजिक बैंड है के पॉप बीटीएस नाम है उसके लिए। वाह क्या बात है क्या बात है ये बताओ हमरा के इतना मेहनत काहे फिर पढ़ाई में करत हो काहे ना फिर वही पढ़ के ही पैसा कमा के जाएंगे ना। अच्छा पहले पढ़बू नौकरी करबू पैसा कमाईबू तब जहाजी से जाएंगे कोरिया जाइबू। हे माई सेरा वाली हे डी बाबा बरम बाबा इनका के जल्दी से कोरिया भेजा और जाके तू खूब बढ़िया वहां नृत्य सीखा ठीक बा। ओके जल्दी से कोरोना के मारे से वही पटक के मरिए ठीक बा। ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ के।
के चैन चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए मेरा क्या होगा, सोचो तो जरा। हाय ऐसे ना है भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गोलू। कोमल तनु नेहा के ही संयुक्त प्रस्तुति रहल ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए। हम भगवान से दुआ करब कि चैन बरकरार रहे। ठीक बा, तो ये बताए रहुआ लोग कि पढ़े उड़े में मन लागेला। हाँ। पढ़ाई में के तीनों में अव्वल बा? तीनों तीनों। अच्छा मान ली अगर हाई एक नंबर से पास होता है, आप टीचर कहनी कि तुम्हारा में से एक नंबर काटे तब भी पास नहीं, तू एक नंबर से फेल होता है, तो क्या करूँ? अपन नंबर नहीं से कटवाई हुआ कि फेल हो गई? मेरे से ले लेगी एक और। मतलब फेल एक चबू फेल रहे भैया, यही दोस्ती के प्रमाण बात की, मतलब तू डूबा तो डूब जा, हम तो पास कोनो बात ना, प्यार बरकरार रहे, दोस्ती बनल रहे। रउआ हमार जौन कनेक्शन बाटे एकर असही दिन प्रतिदिन बढ़त रहे, ए बढ़ावा के बनावे खातिर हम अगला प्रतिभागी के बुलावत हैं, तनी झूम के ताली बजा के नाच के स्वागत करी इनका। और के बाड़ी इहे के बताई, सिर्फ पहले आप अपना गाना तो बता गा दीजिए, सुने आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हम गाइब, लेकिन पहले विनीता गई है, ओकरा बाद थोड़ बहुत हम गा ले। ठीक बा, पहले गा दे। ठीक बा, ताली बजाओ भैया। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे सिवा न मेरा कोई गम नहीं। बहुत बढ़िया गोनी रहुआ, तन ताली बजाओ विनीता खातिर। था हम हूँ गावे पड़ी एगो डिमांड बात, हमो गीत सुना देता नहीं, दर्शक लोग रहुओ लोग सुनी, हमार जे भी ये कैंपस के छात्र भाई छात्र बहन लोग बा उ लोग भी सुने। हो गोरिया चान के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, गोरिया चान के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तहार जोड़ केहू नइखे तू बेजोड़ बाड़ू हो, तहार जोड़ केहू नइखे बेजोड़ बाड़ू हो, तू तरसावा भरल पोरे पोर बाड़ू हो, तू तरसावा भरल पोरे पोर बाड़ू हो, तहार जोड़ केहू नइखे। एकदम तार जोड़ केहू नइखे, तू लोग बेजोड़ बाड़ा हो। रउआ लोग सही जुड़ल नहीं, हम गाना सुना दिले बानी, और जोन चैनल बाटे विश्व विख्यात विश्व प्रख्यात हर भोजपुरिया के दिल पे राज करे वाला, यानी MH1 भोजपुरी भोजपुरिया। और हम बानी अपना दोस्तन के साथ है शो के लेके, जिकर नाम बा कॉलेज। और हमरा भीरी हमरा बीच में जे आवे वाला बा, जे अब परफॉर्मेंस देवे वाला बा, उ बान ले हई बबुआ। अरे बबुआ इतना स्मार्ट लड़का, इतना गुरहर, इतना सुघर लड़का, क्या नाम बता? चेरी। चेरी, तो अभी मैं जिस टॉपिक पे स्टैंड अप कॉमेडी करने जा रहा हूँ। अच्छा, कॉमेडी करेंगे बरुआ? हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी। वाह गजब, बिना देर करिए। तो उस टॉपिक का नाम है एग्जाम्स के लफड़े। तो लफड़ा के चालू कर जाओ। तो जैसे कि एग्जाम जब स्टार्ट होता है तो मेरे हाथ चलते एकदम फास्ट एंड फास्ट, तब तक कि जब तक कि मैं रोल और नेम ना लिख लूं। उसके बाद पेपर में मुझे कुछ आता ही नहीं, तो मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ होता है, मैं उससे कहता हूँ, ओ भाई सुन ले, ओ भाई कुछ दिखा दे यार, ओ भाई दिखा। तीन बार बोलने के बाद वो बंदा जब पलटता है तो ऐसे पलटता है जैसे मैंने उसकी GF का हाथ मांग लिया हो।
अब भाई टाइम हो चुका है ख़त्म, और उस बंदे ने मुझे कुछ दिखाया ही नहीं। मैंने बोला भाई ठीक है तू लिख, बस मिल मत जाइए मुझे बाहर, नहीं तो वहाँ इतनी डंडियाँ मारूँगा कि अगले बार तू नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाएगा। अब जैसा कि मैंने कुछ लिखा नहीं, मेरा पेपर है पूरा खाली, और जो भी नंबर मिले सिर्फ सफाई के। अब डायरेक्ट रिजल्ट के दिन, मैं हो चुका हूँ फेल, और मैं अपना फेल का रिजल्ट लेके अपने बाप के सामने हूँ खड़ा। अब मेरा बाप भी मेरे को देख के बोल रहा है, कितनी बार फेल हो गया रे तू, कुछ दिन बाद तेरे बच्चे तेरे साथ स्कूल जा रहे होंगे, देख देख शर्मा जी के लौंडे को कुछ सीख। मैं बोल रहा शर्मा जी के लौंडे को देखने के चक्कर में तो मैं फेल हुआ। अब मेरा बाप भी सोच में पड़ गया, शर्मा जी के लौंडे को देखने के चक्कर में फेल। ए विमला इधर आ रहे, देख रहे तेरा बेटा क्या निकल गया रे। ये मुझसे कैसा पाप हो गया, मैं कैसी चीज का बाप हो गया। विमला सोच ले रे, दहेज देना है कि लेना है रे। दैट्स ऑल, थैंक यू। खाली लफड़े उफड़े में रहना कि कौन और भी बात ना मानना। नहीं सर, रील्स में बस। आज जीवन के रील्स में क्या क्या चलता है तुम्हें? कुछ ना सर, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड ना बा। जोन झंडपना जिंदगी में आयल बाई कर बजा के भाई, हो बतावा हम न्याय करब। इंजीनियरिंग जब मन में इतर बढ़ गई बात, बढ़ने के बाद आगे जाके रुके के ना चाहिए, मंजिल तबे मिलेला जब ऊपर एकदम डट के सामना करे के चाहिए। आई अगला प्रतिभागी से रहूंगा के मुखातिब करा होता नहीं, आ जा सोनल जी बानी है के। सोनल जी का कहे वाला बानी, दर्शक लोग से का दिखाए वाला बानी, का सुनाए वाला बानी? गाना। बोली मैकवा में, तन मैकवा के करीब से बोली गाना। खाना खाए खोला तो कितना करीब जाके मुंह एकदम हेंगा लपक के खा ले ना, हाथ पहुंची तो मुंह में भिड़ा दे सब खाई ले खाती। का गाए ब्रहुआ? एक बार तो राधा बन कर देखो। राधा बन के गा के सुना दे। अगर मैं सा जानती प्रीत करे दुख होए, नागर की धारा पीटती प्रीत ना करियो कोई। बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे, क्या होती है आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें बढ़िया भइल बा एक कार्यक्रम के रउआ प्यार से रउआ आशीर्वाद से। लेकिन अगर केहू सबसे ज्यादा एकर सहयोगी बा तो ऊ बाटे एक कॉलेज कैंपस, यानी डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के कैंपस में वैशाली में। एक कॉलेज कैंपस के जे बानी बीएसडब्ल्यू सर, यानी ब्रिजेश जी, वहाँ के हम आमंत्रित करब और आई अब बताई कि इतना बढ़िया कैंपस के नियमानुसार चलावे बदे का वहाँ के कर रहा बानी। स्वागत सर, स्वागत बा और अभिनंदन बा। रउआ के पूरा जहान देख रहा बाटे, लाखों करोड़ों लोग MH1 भोजपुरी, भोजपुरिया दिल से के माध्यम से देख रहा बाटे। हम जाने चाह बोरी लोग भी जाने चाहे कि एक कॉलेज के इतना खूबसूरत
इतना डिसिप्लिन बनाने खातिर राउर का प्रयास हमेशा रहेला। सर ये एक पूरा टीम वर्क है। डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी, जिसका बेसिक कारण ये था कि बिहार में जो बच्चा बाहर की ओर मूव करता था और माइग्रेट होता था दूसरे कोर्सेज के लिए, हम वैसा क्वालिटी एजुकेशन हम बिहार में दे सकें, वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा क्वालिफिकेशन, अच्छा प्लेसमेंट दे सके, ये हमारी बेसिक अवधारणा थी इस यूनिवर्सिटी को यहाँ स्थापित करने के लिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बच्चों को ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें सबसे पहले हमारे गांव का नाम बढ़ाना है, फिर हमारे बिहार का नाम बढ़ाना है, फिर हमारे पूरे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में बढ़ाना है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है। देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी थी उसमें से 18 बच्चे ऐसे सिलेक्ट हुए थे जो नागालैंड टूरिज्म के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 8 बच्चे हमारे आज की डेट में नागालैंड जा रहे हैं, जो AIU की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से है। ऐसे हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे कि सोशल पार्टिसिपेशन भी हमारा बढ़े, ये हमारी ये विशेषता है और हम लोग की इच्छा है कि बच्चे हमारे वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दें। बहुत बढ़िया बाटी। सर एगो आखिरी क्वेश्चन, आखिरी हम सवाल बतावल चाहब, पूछल चाहब और चाहब कि सबके रुआ बताएं कि का का कोर्स प्रोवाइड कर रहा बाई यूनिवर्सिटी, का का लोग यहाँ आके अपन पढ़ाई लिखाई कर सकेला। 2018 में हम लोगों ने सबसे पहले 5 फैकल्टी से हमारा स्टार्ट किया था, जिसमें एग्रीकल्चर, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट, फिर बाद में हम लोगों ने इंजीनियरिंग और डिप्लोमा भी ऐड किया और PhD प्रोग्राम वगैरह करा रहे हैं। बच्चे को उस डिसिप्लिन में लाएं जिससे कि वो जिस भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो तो वो पहचाना जाए कि ये डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, ये हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, रहुआ आपन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण समय देनी, आज ये चैनल के माध्यम से पूरा ये दुनिया ये बात के देखलस सुनलस, और एक कॉलेज कैंपस के जे भी छात्र छात्रा लोग बाटे हमरा ओर से भी बहुत बहुत शुभकामना बा, ये पूरा चैनल के परिवार के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बा कि रहुआ लोग के भविष्य हमेशा उज्ज्वल रहे, जहाँ भी जाए तरक्की के सीढ़ी पे पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत बा सब कुछ यहाँ, एकदम अद्भुतम बाटे यहाँ सब कुछ, एकदम माहौल बौखला गई बा, यहाँ के लड़का जन बाने, यहाँ की लड़की जन बाड़ी, यहाँ के स्टूडेंट जन बाने, कैंपस के खुशबू आने, महकत आने, चाहत आने और ये चाहत के बरकरार रखब। लेकिन फिलहाल हमार मन ना हटत है यहाँ से, ना ये कैंपस से, ना ये छात्र छात्रन के बीच से, ना भैया रउआ लोग से, लेकिन का करम, मजबूरी बा, जाए के पड़ी। लेकिन वो घड़ी अब भई तक शुरू भइल बा, अगला बात फिर हमारे फिर रहुआ से मुखातिब होकर, फिर रूबरू होकर नया कैंपस के साथ अपना यही चैनल पे, जकर नाम बा MH1 भोजपुरी, यही शो में जकर नाम बा कॉलेज। तो तब तक खातिर विदाई दे, जय माता दी, जय भोजपुरिया।